डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी आप सभी के लिए देखिए मजेदार ट्रिक लेके आया हूँ। नंबर ऑफ जीरो क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो 1 × 2 × 3 × 4 × 8 × 8 × 500। फिर इसमें कितना जीरो आएगा? इस नंबर में देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम देखिए कितना सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे बनता है। तो टोटल देखिए लास्ट डिजिट कितना है? 500 है। 500 है, देखिए क्या ट्रिक इसमें लगाते हैं। 500 को मैंने कितना से भाग दिया? 5 से। कितना आ गया आपका? 100 आ गया। कितना आ गया? 100। फिर देखिए हम क्या किए, फिर 100 को हमने 5 से भाग दिया, कितना आ गया? 20 आ गया। फिर 20 को मैंने 5 से भाग दिया, कितना आ गया? 4 आ गया। अब टोटल जोड़िए, टोटल जोड़ते हैं तो आपका कितना होता है? 124 आता है। कितना आता है? 124 आता है, जो कि आपका आंसर हो जाता है कितना? 124। और 1 से लेके 500 के बीच में कितना जीरो आएगा? 124 जीरो आएगा। कितना आएगा? 124 जीरो। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 1 से लेके आपको 250 तक का बताना है आपको कितना गुना है। 1 से लेके 250 तक में देखिए कितना गुना आएगा? 1 गुना 2। देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे? तो जस्ट मैंने बताया था 250 में मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूँ। कितना से? 5 से। 50 हो गया, फिर 50 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। फिर 10 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 2 आ गया। देखिए इसको टोटल एक करके कितना आ गया? 50 10 60 62। आपका राइट आंसर हो जाएगा 62। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 से लेके आपको कहाँ तक जाना है? 100 तक का। इसमें बताना है कितना जीरो आएगा। तो 2 से लेके 100 तक में देखिए 100 कितना दोनों की संख्या, 100 में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 50। 50 को लेके मैंने क्या किया? 50 को 5 से भगा दिया, 10 आ गया। फिर 10 को मैंने 5 से भगा दिया, कितना हो गया? 2 आ गया। तो टोटल आपका कितना आ गया? 12 हो गया, जो कि आपका जीरो की संख्या कितना है? 2 से लेके 100 तक, 100 तक की जीरो की संख्या कितना? 12 हो जाएगा। आंसर आपका 12 हो जाएगा। यही अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 से लेके 2 4 6 8 5 100 आ रहा है। इसमें बताना है आपको कि लास्ट में कितना जीरो आएगा। देखिए टोटल 2 से लेके 500 तक के बीच में जीरो कितना आएगा? तो मैंने ट्रिक अभी जस्ट बताया था। अब देखिए क्या करना, 500 को मैं कितना डिवाइड करूंगा 2 से, कितना लिया? 250। कितना लिया? 250। और 250 को हमने क्या किया, 250 को फिर मैंने 10 5 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 50। फिर 50 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 10 हो गया। फिर 10 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 2 आ गया। टोटल जोड़ी में कितना आ गया? 62 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 62। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 30 × अब इसमें देखिए जीरो कितना आएगा? 1 से लेकर 30 तक के बीच में जीरो कितना आएगा? 1 × 2 × 30 लास्ट में कितना? 30 × 2। तो देखिए कितना इजी में सॉल्व करेंगे, कितना है आपका? 30 है। कितना है? 30 को मैंने कितना डिवाइड किया? 5 से। 5 से डिवाइड किया, कितना हो गया आपका? 10। कितना हो गया? 6 आ गया। कितना गया? 6 हो गया। फिर 6 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 1 हो गया। 6 कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। अब देखिए आंसर में, देखिए ये आंसर में 7 में लिखना है। 7 कितना, किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 2 का, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 14। यही आपका आंसर हो जाएगा। हम देखिए 1 × 2 × 3 × 4 × 8 × 50 अब इसमें देखिए क्या लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए क्या है, लास्ट में कितना 50 है। तो 50 को मैंने कितना 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 10 हो गया। फिर 10 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। टोटल हो गया 12। तो 12 देखिए आपका 12 जो आ गया, तो 12 आप आंसर नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट 12 आंसर। इसमें क्या करें, कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर है। 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया? 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 × 2 × 3 × 50 ×। अब इसमें देखिए 1 से लेकर 50 तक में जीरो की संख्या कितनी आएगी? तो देखिए क्या है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, लास्ट संख्या कितना है? 50। 50 ले लेंगे, 50 को 5 से डिवाइड किए 10 हो गया। 10 को फिर 5 से डिवाइड किए कितना हो गया? 2 हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया? टोटल आपका 12 हो गया। 12 को देखिए कितना, अब 12 डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहे, कितना 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 2 × 3 × 4 × 5 × 50 ×
कितना आएगा, 36 आ जाएगा, यही आपका 36 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, का क्यूब गुणनों का क्यूब फिर का क्यूब डॉट 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 450 का क्यूब। अब देखिए इसको कितना इजी में सॉल्व करते हैं, देखिए से लेकर 450 तक में आपको जीरो की संख्या कितनी आएगी, देखिए लास्ट संख्या कितना 450।
450 को मैंने 5 से डिवाइड किया कितना हमने 5 लाख 90 हो गया। 90 को 5 से डिवाइड किया 5 × 45 कितना हो गया और कितना समय में पड़ेगा 18 हो गया। फिर 18 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो आपका कितना गया 3 टोटल जोड़ेंगे कितना 111। अब 111 देखिए आंसर भी यहाँ पर बात आई 111 आपका आंसर नहीं होगा कितना का क्यों है एक और दो का क्यों का ये हो जाएगा आपका 300 गुना 333 सही आंसर होगा। फिर आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या एक पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4 3 पावर 4 5 पावर 4 इंटू डॉट 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 इंटू 3 पे पावर 4। अब देखिए इसमें कैसे क्या करना है तो देखिए इसको कुछ सोचने की जरूरत है 30 है लास्ट संख्या का 30 है ये 30 ले लेंगे 30 को 5 से डिवाइड किए कितना हो गया 6 हो गया फिर 6 को 5 से डिवाइड किए कितना हो गया 1 हो गया 6 कितना हो गया 7 हो गया ठीक है। अब ये आप 7 मान लिए डायरेक्ट आप 7 आंसर मारेंगे आंसर तो 7 आपको होगा नहीं लेकिन 1 पे पावर 4 है 2 पे पावर 4 भी हो जाएगा 7 पे पावर 7 इंटू 2 कितना 28 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आज का वीडियो आपका यही लास्ट होता है। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।